ताज नगरी आगरा केवल इस मोहब्बत की निशानी के लिए लोकप्रिय नहीं है, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री ने भी देश विदेश में खासी धाक जमाई है। यहाँ पर बने बूट्स को सेना, CISF, CRPF, ITBP समेत तमाम सैन्य बलों के लोगों के लिए तैयार किया जाता था, लेकिन अब आगरा का ये कारोबार अपनी चमक खो चुका है। 17 से 18 साल पहले आगरा में डिफेंस के दम पर करीब 18 करोड़ तक का कारोबार होता था, लेकिन अब ये उद्योग सिमट कर महज 1 करोड़ रुपए का रह गया है। आगरा की लेदर इंडस्ट्री का आरोप है कि सरकारी नीतियों और भ्रष्टाचार ने उनके व्यापार की कमर तोड़ दी है। एक गवर्नमेंट एजेंसी थी DGCNDI, उनके थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट होता था और जो लोएस्ट वन जो आता था उसको वही रेट जो है सबको ऑफर किए जाते थे। उस तरीके से प्रोक्योरमेंट करें जिससे कि ऑर्डर एक को ना मिलके 10 पार्टी हैं तो 10 पार्टी को मिले। कारीगर जो थे वो बिल्कुल काम को छोड़ गए हैं और 3-4 हजार कारीगर बेरोजगार हो गया है। पहले हम लोग ITBP, CRPF, BSF, SSB और डिफेंस का जितना भी माल था आसाम राइफल सबको सप्लाई करते थे। आगरा में 60 फर्में थी जो अब घटके रह गई हैं 5-6 फर्में। 16-17 में मेरा सेल था 16 करोड़ का, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया 3 करोड़ का, अब इसके बाद अब ये 1 करोड़ भी मुश्किल से हो रहा है और ऑलमोस्ट बंद की कगार पे है। यहाँ तो घर बार बेच के हम गवर्नमेंट का और बैंकी पर भरपाई करें और मेरा 1500 कारीगर हमारा मतलब वो सारा भूखमरी पे है। उद्योगपतियों का धंधा तो इस फेरबदल से चौपट हो ही चुका है, साथ ही इन उद्योगों के सहारे गुजर बसर करने वाले बूट कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं। कभी कभी तो हमें तनख्वाह भी नहीं मिल पाती है, काम है ही नहीं तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। मालिकों के पास काम ही नहीं है, काम पहले काम चलता था 1978 का काम में कारीगर हूँ, यहाँ पे बहुत कारीगर लगे पड़े थे, अब हम ज्यादा से ज्यादा 20-25 कारीगर लगे पड़े हैं यहाँ पे और अब ये स्थिति है कि खाने से के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। अरे परेशानी बहुत है इस टाइम, काम फाम हो नहीं रहा है, दो साल से इतना परेशान है, कोई जवाब नहीं है इसका, अब आगे क्या करा जाएगा। अब क्या करते हैं, अब वही 250-250 रुपये का काम होता है, उससे क्या गुजारा होता है, घर में 300-400 रुपये का काम होता था, अब 250-250 रुपये का 150 रुपये का काम हो रहा है। आगरा की लेदर इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 2 दशकों में यहाँ पर लेदर यूनिट्स की संख्या कम होकर महज 10% रह गई है। पहले आगरा में करीब 60 यूनिट्स थीं और अब महज 5 या 6 फैक्ट्रियां ही लेदर इंडस्ट्री की निशानी के तौर पर काम कर रही हैं।